Welcome to PUBG Mobile. अरे इसने तो मेरा डायलॉग चुरा लिया. खैर अब कर भी क्या सकते हैं. लेट्स रीडू दिस. ओके हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो. तो मैंने एक रैंडम आर्केड मैच लगाया और फॉर्चुनेटली ये एक मिनी जोन है तो वी विल बी टेकिंग ऑफ सून बी प्रिपेयर्ड. हाँ तो टेक ऑफ करना बताने का क्या है. अबे एक मिनट आधा. अबे आधा फ्लाइंग पथ दिया है. आधा फ्लाइंग पथ क्या क्यों क्या गिल चाहिए ये. अच्छा 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 मिनी जोन है. मेरे को मेरा दिमाग से निकल गया ये मिनी जोन है इसलिए आधा फ्लाइंग पथ. ओके ओके. और गाइस गेम प्ले के दौरान मेरे को एक स्किलफुल कैंपर मिला है. समझ रहे हो स्किलफुल कैंपर. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और अगर तुमने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. लेट्स बिगिन. ओके तो मैं अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स को स्किप नहीं करूँगा बस ऐसे ही 3x स्पीड में रख देता हूँ ताकि तुम लोग भी देख सको कि क्या हो रहा है. ओके ओके तो इधर मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर इस घर के छत पे चढ़ने का कोशिश कर रहा था और मेरे को सीढ़ियाँ नहीं मिल रही थी. ओके बाय द वे ये साउंड जो है वो प्लेन का है. ओके ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे मच्छर एक साथ घूम रहे हैं.
बाय द वे ये जो आवाज़ है दौड़ने की 3x स्पीड में, वो मेरे को मस्त लग रहा है यार। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा टीममेट जो है नंबर 2, जो कि वन एंड ओनली पर्सन लाइव है, उसके पास जाने का, क्योंकि अगर वो नॉक हो जाता है तो मैं भी उसको रिवाइव कर पाऊँगा। अगर मैं नॉक हो जाता हूँ तो वो भी मेरे को हेल्प कर पाएगा। तो जस्ट फॉर टीम सपोर्ट मैं उसके पास जा रहा हूँ। और ये छत पे बंदा है। ये मेरे पीछे से पड़ी और मैं गया। ये देखो बंदा कैंपिंग कर रहा है, बंदा कैंपिंग कर रहा है। दरवाजा बंद हो गया मुंह में। घर के अंदर भी ऐसे लेट लेट कर चल रहा है। क्लास ऑफ कैंपिंग, इसको मैं रिपोर्ट करूंगा, इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। अदर रीजन्स आर कैंपिंग, इसको मैं रिपोर्ट करूंगा फॉर कैंपिंग। टेंशन देखेगा तो रहिए, हुआ क्यों नहीं। ओके कैंपिंग, टेंशन देखेगा तो घबरा जाएगा, क्या हो रहा है इधर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अरे ये तो अपोनेंट है, ये तो अपोनेंट है। नहीं, ये अच्छा बंदा है, अपोनेंट अच्छा बंदा है। उसने कैंप नहीं किया, मतलब उसको भी एक तरह से कैंपिंग ही कहा जाता है, लेकिन एटलीस्ट इसके जैसा तो नहीं है। इसको देखो यार, बस देखते रहो। बस देखते रहो। वो शायद से उसको मार सकता था जब वो गाड़ी ले रहा था, शायद से उसको मार सकता था, पर उसने गोली भी नहीं चलाई, क्योंकि भाई इसको कैंपिंग करना है, इसको बस छुप के कैंपिंग करना है। ये पड़ी पीछे से पड़ी, इसको पीछे से कोई डाल रहा है, पर ये रुकने वाला नहीं है। मेरे को पता है ये रुकने वाला नहीं है, ये भागेगा, ये बस भागेगा, जोन के अंदर भागेगा, एक बढ़िया सा घर ढूंढेगा और फिर से कैंपिंग करने बैठ जाएगा। वो भी इसने मार्क करके रखा है घर को।
इसने लिटरली बैठ के घर को अच्छी तरह मार के अभी इधर आ रहा है। क्या हाई प्रोफाइल कैंपर है ये। और टोटल 8 एनर्जी ड्रिंक्स लेने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसको जाना चाहिए। और ये दूसरा बंदा जो कि इसको मारने का कोशिश कर रहा था, वो अब जान गया है कि ये इधर ही छुपा है। और अभी अभी जो नेड हुआ ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे हुआ है। ये बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है और जो नेड हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पे हुआ है। बंदे का टाइमिंग गलत था यार, वो मॉली करने वाला था पर सही वक्त पे इस बंदे ने, नंबर टू ने उसको धो डाला। अब ये बंदा लास्ट सर्कल के अंदर पहुंच चुका है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है विदाउट एनी फास्ट फॉरवर्ड्स। ओके लेट्स सी।
भी सही जगह पर नेट किया था, सही जगह पर नेट किया था और ये बंदे को मार दिया। हगा हगा, इसका एम हगा। अगर इसका एम नहीं लगता ना उस वक्त, अगर इसका एम लग जाता ना तो ये शायद फर्स्ट आ जाता, शायद ये फर्स्ट आ जाता। तो देख रहे हो कितना स्किल्ड कैंपर है ये बंदा। और मैं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा क्योंकि मैं इसके साथ बाद में खेलने वाला हूँ, मेरे को चाहिए ये बंदा मेरे साथ खेलने के लिए। ओके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।